कश्मीर से धारा 370 फिलहाल ख़त्म हुई है और इसका इफेक्ट अब सामने आने लगा है। पहले जहां आम भारतीय अन्य राज्यों की तरह खुलकर रहने और सोचने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब कश्मीर में वो बात नहीं रही। लिहाजा वहां के युवक युवतियां भी दूसरे राज्यों की तरह प्रेम प्रसंग कर अपना जीवन साथी चुनने लगे हैं। ताज़ा घटना सुपौल जिला के राघापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवकों से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि वो कश्मीर से युवतियों को भगाकर लाया है। हालांकि मामले में युवतियां उस आरोप को खारिज करते हुए कहती हैं कि वो लड़कों से प्यार करती हैं और शादी भी किया है। हम लोग लव मैरिज किए और इसी आधार पे उनके पिताजी हम लोग पे अपहरण केस का दर्ज करवाया, इल्जाम लगा दिया और लड़की का रजामंदी से हम लोग कोर्ट मैरिज की। कि मैंने जम्मू कश्मीर की जो लड़की है वो हमारे साथ राजीनामा शादी कर किया है, भाग के की है, और कोर्ट में वो सबूत भी है और हमारे पास भी सबूत है। हम दोनों राजी हैं, वो भी राजी है, मैं भी राजी हूँ। और उधर पे अपहरण केस की जो इल्ज़ाम में हम लोगों को फंसाया गया है, तो इसीलिए हम लोग थाने हैं। इस मामले में परवेज और तबरेज का कहना है कि वो बालिग हैं और उनकी पत्नियां भी बालिग हैं। आपको बता दें कि कश्मीर से सुपौल दो लड़कियां पहुंच गई थी। खबर के मुताबिक ये दोनों बहनें लव मैरिज के बाद सुपौल पहुंची थी और इधर इन दोनों युवतियों के पिता ने सुपौल के रहने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। दूसरी ओर दोनों बहनों का कहना है कि दोनों सुपौल में ही अपने पतियों के साथ रहना चाहती हैं। अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? अकेले आए। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल। क्या चाहते हैं आप लोग? 3 साल। अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस आई, आपको ले जाने नहीं जाए? थाने लाया गया, क्या मामला है बताइए? किससे? अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? नहीं, अकेले आए जम्मू। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल से। 3 साल से। फिर शादी भी कर लिया आप लोग? यस सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। किसी के साथ रहना चाहते हैं? अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने के लिए? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं। दोनों सगे भाई थे जो राजमिस्त्री का काम करने ये गए थे कश्मीर, और कश्मीर के रामबन ज़िला के नगमा बनिहाल गांव में ये वहां पे राजमिस्त्री का काम करते थे, सेंटरिंग का काम करते थे, वहीं पे रहते रहते वहां की दो सगी बहनें नादिया और साइना से इनका मालूम हो कि राघोपुर थाना क्षेत्र के राम बिशनपुर निवासी परवेज आलम और उनका भाई कश्मीर में राजमिस्त्री का काम करता था, जहां कश्मीर की रहने वाली नदिया और शाइना, जो कश्मीर के जिला रामबन की रहने वाली बताई है, उससे प्यार कर बैठा और फिर उससे शादी भी कर ली, जिसके बाद दोनों युवतियों को सुपौल ले आया है। उधर कश्मीर में रहने वाले युवती के पिता यूसुफ ने कश्मीर में अपने नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवाया था, जिस मामले में केस के अनुसंधान को लेकर कश्मीर पुलिस सुपौल पहुंच दोनों युवतियों को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं। बताया जाता है कि दोनों युवक मजदूरी करने कश्मीर गए थे, जहां दोनों को कश्मीर की दोनों युवतियों से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी रचाया था और युवतियों को लेकर वहां से अपने घर सुपौल आ गए। युवकों का कहना है कि वो लड़कियों से कोर्ट में शादी की, जिसका सबूत उसके पास है। फिलहाल सुपौल पहुँचे कश्मीर पुलिस ने दोनों आरोपी भाई को भी न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।